नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। आज है 2 नवंबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। आज है छठ का पहला संझकी अर्घ। आज छठ का संझकी अर्घ है। आज के दिन सभी छठव्रतियां सुबह से ही ठकुआ बनाने में जुट जाती हैं, फिर शाम के समय में सूप में फल और बनाए गए ठकुए को रखकर भगवान भास्कर को नमन करती हैं। इस दौरान सभी छठव्रतियां पानी में काफी समय तक खड़ी होती हैं और इस प्रकार वो शाम का अर्घ पूरा करती हैं। घाटों पर सेल्फी और पटाखों पर लगाई गई रोक। जिला प्रशासन ने छठ के दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गंगा घाटों पर रेड लाइन में सेल्फी लेने और पटाखे फोड़ने पर रोक लगा दी है। इस बाबत पुलिस और जिले के अधिकारियों को घाटों पर सेल्फी लेने वालों और पटाखों का इस्तेमाल करने की कोशिश करने वालों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने प्रियंका गांधी से मांगा जवाब। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर प्रियंका गांधी वाड्रा से जवाब देने को कहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर प्रियंका गांधी वाड्रा से उन्होंने पूछा कि प्रियंका गांधी बताए कि नेहरू और उनकी दादी ने सरदार जैसे निष्ठावान कांग्रेसी को भारत रत्न क्यों नहीं दिया। अपने ट्वीट में उन्होंने आगे लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने दल से ऊपर देश को रखने की नीति अपनाई और सरदार पटेल को वह सम्मान दिलाया जिससे उन्हें वंचित रखने का दुस्साहस कांग्रेस करती रही। बेरोजगार युवाओं को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता 3500 राशि प्रतिमाह। बेरोजगार युवाओं को सरकार की ओर से बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इस योजना में 50% भत्ता केंद्र सरकार और 50% भत्ता राज्य सरकार को देना है। केंद्र सरकार ने 3500 की राशि देने को कहा है। राज्य सरकार 500 से 1000 तक की राशि दे रही है। यह योजना उन युवाओं के लिए है जो सबसे पहले तो भारतीय है और 21 से 35 साल के बीच है, साथ ही 12वीं पास है और उनके परिवार की आय 3 लाख रुपए से कम है। आंगनबाड़ी सेविकाओं का बढ़ाया गया मानदेय। सरकार ने राज्य के आंगनबाड़ी सेविका, लघु आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का मानदेय बढ़ाने का फैसला किया है। इसके साथ ही कैबिनेट ने शहरी निकाय के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह के अनुसार बैठक में कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। अब एक टीचर एक से अधिक शिक्षण संस्थानों में नहीं पढ़ा सकेंगे। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब एक शिक्षक एक से अधिक शिक्षण संस्थानों में नहीं पढ़ा सकते हैं। अगर कोई भी शिक्षक ऐसा करते हैं तो उस शिक्षण संस्थान की मान्यता रद्द हो जाएगी, साथ ही साथ शिक्षा परिषद अपने अनुसार उनके खिलाफ ठोस कदम भी उठाएगी। पप्पू यादव छठ व्रतियों की कर रहे कुछ इस तरह सेवा। पप्पू यादव पटना में रमना सड़क में छठ व्रतियों के बीच पूजा की सामग्रियों का वितरण कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने पटना के घाटों पर भी निरीक्षण किया। अपने पार्टी जाप के कार्यकर्ताओं से छठ व्रतियों और उनके साथ आए परिजनों की यथासंभव मदद करने की अपील की है। पिछले महीने पटना में आए बाढ़ के दौरान भी लोगों की काफी मदद की थी, तब से लगातार ही जनसेवा में सक्रिय भागीदारी लगातार निभा रहे हैं। रसोई गैस की कीमतों में 77 रुपए की हुई बढ़ोतरी। रसोई गैस सिलेंडर में 77 रुपए का इजाफा हुआ है, जिसके पश्चात सिलेंडर के दाम बढ़कर 716.50 रुपए हो गए हैं। ज्ञात हो अभी तक यह 639.50 रुपए का मिल रहा था। वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में भी 119 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिसके पश्चात दुकानदारों को 1169 रुपए में मिलने वाला सिलेंडर अब 1288 रुपए में मिलेगा। जुहू चौपाटी का नजारा दिखेगा बेतिया के संत घाट में। बिहार के बेतिया के संत घाट को शहर का सबसे बड़ा घाट माना जाता है। इसी संत घाट पर इस साल छठ के मौके पर मुंबई के जुहू चौपाटी जैसा नजारा दिखेगा। रोशनी से जगमग ये घाट शहर का आकर्षण होगा। ज्ञात हो 4 दिवसीय छठ के मद्देनजर शहर के सभी छठ घाटों पर तैयारी की व्यवस्था समितियों के हवाले है, लेकिन प्रशासन की ओर से तैयारी का जायजा लिया जा रहा है। नगर परिषद की ओर से साफ सफाई का बेहतर व्यवस्था की जा रही है। मनोज बाजपेयी ने अपने छठ की यादें ताजा की। बिहार के जाने माने अभिनेता मनोज बाजपेयी ने छठ महापर्व पर अपनी यादें ताजा की हैं। छठ के बारे में उन्होंने बताते हुए कहा है कि दुनिया में चाहे जहां रहूं, लेकिन छठ पर्व आते ही मेरा मन अपने गांव बेलवा में घूमने लगता है। माई बाबूजी का वहां रहना और भी खींचता है। अर्घ देने के लिए दौरा सिर पर रखकर मैं आगे आगे चलता और माई पीछे पीछे छठी मैया के गीत गुनगुनाते हुए आती थी। जब छठ की तैयारी शुरू होती थी, माई का सख्त आदेश रहता था कि झूठे हाथ से कोई सामान ना छुए। फरार शिक्षकों को नो वर्क नो पे के आधार पर एक दिन का कटेगा वेतन। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की अनुपस्थिति पर नियंत्रण नहीं लग पा रहा है। शिक्षा विभाग लगातार स्कूलों में जांच पड़ताल भी करा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी 25 अक्टूबर को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों में हाई स्कूल और प्लस टू विद्यालयों की आवश्यक जांच में 56 शिक्षक गायब थे। निदेशक ने गायब शिक्षकों को नो वर्क नो पे के आधार पर एक दिन का वेतन काटने का आदेश दिया है। 3 नवंबर तक गंगा में नहीं चलेंगे नाव। छठ महापर्व के मद्देनजर गंगा में 3 नवंबर तक नाव के चलने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। जिलाधिकारी ने सभी SDM को अपने अपने क्षेत्र में नदियों के नाव पर रोक लगाने के लिए निर्देश दिया है। संबंधित थानाध्यक्ष इस आदेश को लागू कराएंगे। ज्ञात हो लोगों के पर्व के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने यह फैसला लिया है।
हवाई किराया 15,000 के पार पहुंचा। त्योहारों के दौरान घर आने वालों की मुश्किलें बढ़ी। छठ में पटना आने वालों का किराया आसमान छूने लगा है। govivo.com पर गुरुवार की शाम 7 बजे दिल्ली का हवाई टिकट 9,000, मुंबई का 10,000, बेंगलुरु का टिकट 15,000 से ज्यादा में मिल रहा था। वापसी का किराया 4 नवंबर को सर्वाधिक है। अरवल जाने वाले लोग इन पर्यटन स्थलों पर जरूर भ्रमण करने जाएं। अरवल जाने वाले लोग इन स्थलों पर भ्रमण करना ना भूलें। मधुश्रवा आश्रम, मखदूम शाह का मजार, पंचतीर्थ धाम जरूर घूमने जाएं। इसके अलावा इन धार्मिक स्थलों का भ्रमण भी जरूर करें। सती मंदिर, बेलसार सूर्य मंदिर, खटांगी सूर्य मंदिर, फखरपुर मंदिर, गौतम बुद्ध की मंदिर। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को लगभग 1 से 1.5 घंटे का सफर करना होगा। वहीं खुद की गाड़ी से जाने वाले लोगों को लगभग 2 से 3 घंटे का सफर करना पड़ेगा। आपको बता दें, पटना से अरवल की दूरी 66 किलोमीटर है। छठ मनाने अपने गांव पहुंचे संजय मिश्रा। जाने माने मशहूर कलाकार संजय मिश्रा अक्सर अपनी शूटिंग्स को लेकर व्यस्त रहा करते थे, मगर इस साल छठ महापर्व मनाने अपने घर पहुंचे, जहां अपने बचपन की यादें ताजा करते हुए उन्होंने बताया, कहा गया संजुआ। तब दादी कह रही थी कि आ जाते ही संजुआ, आ जाते ही संजुआ, लेकिन संजुआ तो अपनी मस्ती में कभी ई रोड में, कभी ओ रोड में, कभी ई घाट तो कभी ऊ घाट घूमते रहे हम। और जब 2 घंटा घूमने के बाद हम घर लौटे तो सब लोग भकुआ भकुआ कर देख रहे थे। छठ आते ही इस घटना की याद आ जाती है और खुद को हंसने से रोक नहीं पाता हूँ। वास्तव में छठ हम बच्चों के लिए खुशी का पर्व रहा है। बिहार में 11 मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य हो चुका है शुरू। बिहार में 11 मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। समस्तीपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास 6 नवंबर को किया जाएगा। बिहार स्वास्थ्य सेवा एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड के अनुसार कार्यों को आवंटित किए जाने के बाद कॉलेजों का निर्माण कार्य लगभग 3 साल में पूरा हो जाएगा। नए कॉलेजों के बन जाने के बाद राज्य भर में लगभग 1200 सीटें MBBS व BDS कोर्स के लिए उपलब्ध हो जाएंगी। फ्रांस के पर्यटक वानावर गुफाओं की पॉलिशिंग देख हुए अचंभित। बिहार के जहानाबाद के वानावर पहाड़ और नागार्जुनी पहाड़ में गुफाओं का अवलोकन करने फ्रांस के 15 सदस्यीय टीम वानावर पहुंची। वानावर पहुंचे फ्रांस के पर्यटकों ने कर्ण चौपड़ गुफा, सुद्रामा गुफा, लोमस ऋषि गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा एवं नागार्जुन पहाड़ पर गोपी गुफा, वेदांति गुफा एवं वापी गुफा का अवलोकन किया, जहां गुफाओं की पॉलिश देकर अचंभित हो गए। इको पार्क में फ्री मॉर्निंग वॉक पर लगी रोक। पटना के इको पार्क में सुबह सैर करने वालों के लिए सबसे फेमस जगह माना जाता है, जहां काफी दूर दूर से लोग घूमने, मस्ती करने और मॉर्निंग वॉक करने आते हैं। लेकिन अब इस इको पार्क में फ्री मॉर्निंग वॉक करने वालों पर रोक लगा दी गई है। अब पटना जू की तरह ही मॉर्निंग वॉक करने वालों को मंथली पास बनवाना होगा। बिना मंथली पास के किसी भी व्यक्ति को टहलने नहीं दिया जाएगा। IPS अधिकारी विकास वैभव को मिलेगा SKD मेमोरियल अवार्ड। IPS विकास वैभव एक बार फिर बिहार का गौरव बढ़ाने के लिए कानपुर रवाना हो गए। दरअसल विकास वैभव को उनके शैक्षणिक संस्थान IIT कानपुर उन्हें वीरता और ईमानदारी को लेकर सत्येंद्र कुमार दुबे मेमोरियल अवार्ड के लिए नामित किया है। शारदा सिंह ने कहा, आज भी छठ उसी रूप में मनाया जाता है। छठ पर्व के मौके पर शारदा सिन्हा ने इससे जुड़ी कुछ बातें शेयर की। उन्होंने कहा कि लगातार ही परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन छठ पर्व उसी तरह आज भी मनाया जाता है। उन्होंने अपने कुछ अनुभव शेयर किए। पहली बार छठ पर्व का उनका गीत बड़ा मशक्कत के बाद रिकॉर्ड किया गया था। HMV पर 1978 में पहली बार उनके छठ पर्व की गीत डोमिन बेटी सूप ले ले ढाई छे अंगना में पोखरी खनाई छठी मैया आयतन आज रिलीज हुई, जिसे लोगों द्वारा काफी पसंद किया गया। 9वीं में एडमिशन के लिए नवोदय विद्यालय में 10 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन। 2020-21 सत्र में एडमिशन के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय में 9वीं कक्षा के लिए खाली सीटों पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गई है। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पढ़ रहे छात्रों इसके लिए 10 दिसंबर तक www.navoday.gov.in/nvsadmission/class9.in पर जाकर निःशुल्क ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मई प्रवेश परीक्षा 8 फरवरी को ली जाएगी। BCCI पद संभालते ही छा गए गांगुली। BCCI का पद संभालते ही सौरभ गांगुली हर ओर से तारीफ बटोर रहे। इसी बीच BCCI के पूर्व अध्यक्ष CK खन्ना ने कहा है कि मौजूदा अध्यक्ष सौरभ गांगुली का भारत का पहला दिन रात्रि टेस्ट आयोजन कराना सही दिशा में उठाया गया कदम है। सौरभ पहले ही साबित कर चुके हैं कि वह सक्षम प्रशासक से काफी अधिक योग्य है। दिन रात्रि टेस्ट आगे बढ़ने वाला कदम है और उन्होंने रास्ता दिखाया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया बेगूसराय के घाटों का निरीक्षण। केंद्रीय मंत्री तथा बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने छठ पर्व के अवसर पर बेगूसराय में पोखर के घाटों का निरीक्षण किया है। उन्होंने बड़ी पोखर, सर्वोदय नगर पोखर, तेलिया पोखर आदि घाटों का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को सभी पोखरों और तालाबों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छठव्रतियों की सुविधा हमारी जिम्मेदारी है। Under-17 वेट लिफ्टिंग में पटना बनी उपविजेता। 3 दिवसीय राज्य स्तरीय विद्यालय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता के अंतिम दिन Under-17 बालक में विजेता का खिताब सीतामढ़ी को और पटना को उपविजेता का स्थान प्राप्त हुआ। वहीं अगर हम Under-19 की बात करें तो बालक वर्ग में ओवरऑल विजेता बेगूसराय की टीम रही, वहीं उपविजेता सारण की टीम रही।
अब आइए जानते हैं मौसम का हाल। मुंगेर, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल में धूप के साथ मौसम सामान्य रहेंगे। वहीं मुजफ्फरपुर, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, जहानाबाद में भी हल्की धूप के साथ मौसम सामान्य रहने के ही आसार है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।